बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। डियर व्यूअर्स, आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर चूज द करेक्ट ऑप्शन जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके लेक्चर नंबर 3 में मौजूद हैं, जो हमें वोकैबुलरी एनरिचमेंट में भी काम आ रहा है, हमारे नॉलेज को भी इजाफा कर रहा है और कोई टेक्निक्स जो कोई पॉइंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं इस हवाले से भी ये बहुत इफ़ेक्टिव होगा। सो लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स सेंटेंसेस, टुडे सेंटेंसेस। एल्डर्स प्रेजेंट डैश पैकेट्स टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ऑप्शंस आर वाइट, ब्लैक, पिंक, रेड। हमने चाइनीज़ न्यू ईयर में पढ़ा है कि चाइना के लोग अनमैरिड लोगों को रेड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा दिस इज़ द राइट ऑप्शन, रेड वन इज़ द राइट ऑप्शन, जो कि चौथा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन दिस इज, सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन, रेड। नेक्स्ट सेंटेंस, द वर्ड स्मैशिंग मीन्स, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, फ्लाइंग, मेकिंग, हिटिंग एंड ब्रेकिंग एंड मूविंग। जब हम वर्ड स्मैशिंग को डिस्कस करते हैं, हमें पता है कि स्मैशिंग का मतलब होता है कोई चीज़ ऐसी जो तोड़ फोड़ कर दे, जो खौफनाक हो, ख़तरनाक हो और तोड़ फोड़ का बाइस हो, कुदरती आफत के दौरान हो सकता है, जैसे तुर्की में ज़लज़ला है, वहाँ पर एक स्मैशिंग विंड स्टॉर्म है, स्मैशिंग अर्थक्वेक है, ये सारी बातें वहाँ पर इस हवाले से। सो स्मैशिंग मीन्स, थर्ड हमारा ऑप्शन है हिटिंग एंड ब्रेकिंग, दिस इज़ द राइट ऑप्शन, हिटिंग एंड ब्रेकिंग। सो लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड, द सिनोनिम। सिनोनिम यानी कि मुतरादिफ, इसकी प्रोनंसिएशन भी आप देख लीजिए, सिनोनिम, द सिनोनिम ऑफ इनोवेटिव, जो वर्ड इनोवेटिव है उसका मुतरादिफ क्या है। ऑप्शंस हैं न्यू, ओल्ड, आउटडेटेड, ऑब्सोलीट। तो अगर हम देखते हैं थोड़ी टेक्निक की अगर बात करें तो ओल्ड और आउटडेटेड ये दोनों एक ही मीनिंग है इनके, तो ब्रैकेट में कभी भी ऐसे दो वर्ड नहीं होंगे जिनके मीनिंग एक जैसे होंगे। अगर इनके मीनिंग एक जैसे होंगे तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा मतलूबा जवाब नहीं हो सकता। सो लिहाजा अब वर्ड रह जाता है न्यू और ऑब्सोलीट। तो अगर हम वर्ड इनोवेटिव को देखें तो इसका जो मुतरादिफ होता है वो न्यू होता है, न्यू आइडियाज़, न्यू इन्वेंशन, इनोवेटिव। सो इनोवेटिव का मतलब जो है वो न्यू है। ऑब्सोलीट जो है वो कहते हैं जो चीज़ मतरूक हो गई हो, लिहाजा हमारा वर्ड ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज द वर्ड क्रिटिकल। क्रिटिकल मीन्स रिड्यूस्ड, ऑप्शंस आर रिड्यूस्ड, सीरियस, इम्प्रूव, आइडल। ये जो वर्ड क्रिटिकल है आपने अक्सर हॉस्पिटल में सुना होगा, पेशेंट की हालत बड़ी क्रिटिकल है, या फिर अल्लाह का शुक्र है कि पेशेंट की हालत अब क्रिटिकल नहीं है, ख़तरे से बाहर आ चुकी है। सो द वर्ड क्रिटिकल मीन सीरियस। तो हम ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी दिस इज़ सीरियस, सो ये हमें जो है वो राइट ऑप्शन मिलता है। रिड्यूस्ड, सीरियस, इम्प्रूव और आइडल में जो वर्ड सीरियस है ये क्रिटिकल इसके मीनिंग है। और आज का आखिरी जुमला, अनदर पॉपुलर कस्टम इज़ टू हैंग अप साइंस एंड पोस्टर ऑन डोर एंड विंडोज़। चाइनीज़ न्यू ईयर में हमने पढ़ा है कि उनके मुल्क में एक और आम रवाज वो ये है कि वो अपने दरवाज़ों पर पोस्टर्स और अपने दरवाज़ों और खिड़कियों पर पोस्टर लटकाते हैं। तो जब हम कस्टम की बात करते हैं तो ये लॉ नहीं है, ये ऑप्शंस हैं लॉ, प्रैक्टिस, रूल और लाइन। सो वी कैन सी दैट वर्ड हमारा जो प्रैक्टिस है दिस इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि कस्टम है वहाँ पे आम रवाज है और प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आम रवाज है, मामूल है वहाँ पर। तो ये वो थे वो आज के जुमले जो हमने देखे, लिहाजा ये चूज़ द करेक्ट ऑप्शन वाला जो हमारा टॉपिक है आज हम इसके लेक्चर नंबर 3 में मौजूद हैं। आपने देखा कि किस तरह वोकैबुलरी बिल्डिंग हो सकती है, किस तरह कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो सकती है। होपफुली यू वुड बी गेटिंग बेनिफिट ऑफ इट। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ मजीद वर्ड्स के साथ शामिल होंगे। थैंक यू वेरी मच, दिस वॉज अफ्सार अहमद ऑन यूट्यूब चैनल। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड द पीपल यू अराउंड। अल्लाह हाफिज़।